जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जी आज की वीडियो हम बना रहे हैं पाकिस्तान में जो मुनसफी का इशू चल रहा है, काफ़ी अरसे से चल रहा था, अभी थोड़ा ज़ोर पकड़ गया है और बड़े बड़े इवेंट्स में भी थोड़े से तनाज़ात हो रहे हैं, तो उस बारे में ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आगाही दें। जो पाकिस्तान के लेजेंड रेसलर हैं उस्ताद बशीर पुलान भोला भाला, रुस्तम पाकिस्तान, रुस्तम एशिया, ओलंपियन, उनसे हम राय लेते हैं कि किस तरह की मुनसफी होनी चाहिए और वो भी पूरी दुनिया में लड़ कर रहे हैं, किस तरह की मुनसफी वो इंडिया में देख कर रहे हैं दुबई में, तो आज की इस वीडियो में हम इनकी राय लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी वालेकुम सलाम। जी उस्ताद जी बताएं किस तरह की मुनसफी होनी चाहिए और क्या ये चल रहा है आजकल? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो फन पहलवानी है ना, ये बहुत ही औखा काम है, बहुत बड़ी मंजिल है। जिहड़ा बच्चा रात दिन मेहनत करता उहदे नाल ज्यादती हो जाए तो वह सारी मेहनत पानी फिर जाता है। जिहड़ी मुनसिप कुश्ती है ना, मुनसिप एक अल्लाह वालों बनाया जाता है, मुनसिप नूं एक इहोजिहा अपना किरदार अदा करना चाहिए है, किसी की सैड नहीं लैनी चाहिए, क्योंकि मुनसिप नूं वह चीज़ है कि जिहदे ते अल्लाह खुश हुंदा है। तो जिहड़ा मुनसिप किसी बच्चे नाल ज्यादती करता है, वह मेरा तो यही कहना कि वह जरूर किते ते किते खता खाएगा। मुनसिबी बिल्कुल अल्लाह नूं हाज़र नज़र जान के करनी चाहिए है, किसी का धड़ा नहीं होना चाहिए, बेलोस होनी चाहिए है, किसी का धड़ा नहीं कुटना चाहिए, मुनसिब नूं अपनी पावर बखानी चाहिए है कुश्ती दे विच, क्योंकि मैं मुनसिब है, मैनू किसी का धड़ा नहीं कुटना चाहिए। तो मुनसिब कुश्ती जिहड़ा ना अल्लाह बड़ी वड्डा हुंदा जी, इक उहदा मुनसिब खिलारना तो उहनू अल्लाह नूं हाज़र नज़र जान के किसी की राय नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल अटल फैसला करना चाहिए है। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी आपने देखा होगा इंडिया में किस तरह की मुनसिपी होती है, दुबई में इंटरनेशनल लेवल की? देखें जी कि दुनिया में किधरे भी चले जाए ना, कितने भी चले जाओ, मुनसिप जरा वो हों, जो बंदा किसी ने ज्यादती करता वो मंजरे आम से आ जाता है, क्योंकि अजकल मीडिया का दौर है, हर चीज़ आ जाती है मीडिया के उत्ते, पता लग जाता है कि किन्ने ज्यादती की मुनसिप ने तो किन्ने अच्छा फैसला किया है, तो जो अच्छा फैसला करेगा उ अच्छा है, जिहड़ा गलत करेगा उन्हूं वाम कभी भी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्समैन अगर उहदे नाल ज्यादती हो जिंदी होवेग ना तो वो बहुत ही इहदी अल्लाह भी सज़ा देगा, अल्लाह दे हुक्म नाल जिहड़ा बच्चे नाल कोई ज्यादती करेगा ना मुनसिब, उन्हूं अल्लाह भी सज़ा देगा। मुनसिब का काम है जी इंसाफ करना, अटल इंसाफ करना जिहड़ा होना चाहिए है, तो कुछ गलतियाँ साढ़े जे सरबराह कुश्ती उन्होंने भी बड़िया बड़िया गलतियां हैं, तो अल्लाह तला को भी पुछे, अल्लाह तला उन्होंने पूछेगा यार एडी वीडी ज्यादती क्यों की है, जो भी किसी ने ज्यादती करेगा। आजकल जैसे मीडिया का दौर चल रहा है और वीडियोज़ भी बन रही हैं, तो उनको चाहिए रिव्यू वगैरह ले लें मुझसे? देखें जी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है कि गलत फैसला आया है उन्होंने रोक के वह व्यू लवो, क्या कुश्ती डिगा या नहीं डिगा, क्यों अजकल हर क्योंकि जरा मुनसिब गलत करेगा ना, गलती करेगा वह यह भुल जाए कि मैनू कोई नहीं वेखेगा, उन्होंने पूरा पाकिस्तान वेखेगा, क्योंकि अजकल मीडिया का दौर है, उत्थे हाले पहलवान घर नहीं पहुँचते, तो मीडिया तो पहले आई होंगी कुश्ती, तो जरा फिर गलत फैसला करता है वो तो अल्लाह भी नाराज़ है तो वाम भी नाराज़ होगी। जी अस्सलाम वालेकुम, शेरे पंजाब शाह पहलवान खोयाला, हाल ही में बहावलपुर में दंगल हुआ है, उसमें 62 माड़ा पहलवान और वो जो उसके साथ वाला पहलवान था वो कुश्ती के लिहाज से देखा जाए तो 62 माड़े ने कुश्ती गिरा ली हुई है। अब वो जो मुनसफीन हैं उधर के बहावलपुर के, या वो जज हैं या कोई आर्गनाइज़र हैं कोई दंगल के, उनको बैठ के आपस में फ़ैसला करना चाहिए। तो मैंने मोबाइल पे ही देखी है कुश्ती, तो मैंने तो यही देखा है कि 62 माड़े ने वो सवारी डालकर गर्दन के ऊपर जो उसका बाजू चढ़ाकर जिसको हम तोड़ डंड पंजाबी में कहते हैं गिरा लिया है, बाद में वो उसके ऊपर चढ़ा है। तो अब ये फैसला जो है बहावलपुर के जो कोई यूनियन है जो भी पहलवान है ठेकेदार है ये उनको आपस में बैठ के फैसला करना चाहिए, मेरी नज़र से वो कुश्ती हो गई हुई है। ये मेरी एक दरख्वास्त है मुनसिफों के लिए, जो उस्ताद खलीफे साहबान जो मुनसिफी करते हैं कुश्ती के लिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी पहलवान है, उनको चाहिए कि कुश्ती जब पहलवान लड़ने के लिए तैयार हों दोनों पहलवान, और उनको एक मिनट के लिए गाइड किया करें कि कुश्ती जो है वो चारों शाने चित होगी तो हमने देनी है, एक शाना भी लगता है तो किसी वक्त कोई मुनसिब बता दे देता है वो फिर मसला बन जाता है दूसरे पहलवान के लिए, जो कुश्ती है वो साफ ही कुश्ती होगी, दोनों कंधे लगेंगे तो तब
मुनसिफ जो है वो फैसला दे करे। गलती हो जाना बड़ी बात नहीं, क्रिकेट में भी 10-10, 12-12 कैमरे लगे होते हैं, उधर भी अंपायर को मुनसिफ से गलती हो जाती है, फिर वो कैमरे में देखते हैं। अब भी हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कैमरे भी हैं, मोबाइल भी है, अगर मुनसिफ से कोई गलती होती है तो व्यू देख लिया करे आराम से बैठ के, जो कमेटी बनी हुई है ना, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ आपस में बैठ के वो फैसला कर लिया करे, एक पहलवान का उस्ताद और एक खलीफा आ जाए करें, वो आपस में बैठ के जो कमेटी बनी हुई है उसका मोबाइल पे वीडियो पे व्यू देख लिया करे, जो पहलवान गलती कोई होगी वहाँ पर वो कैमरे पे दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, और 100% कुश्ती जो भी कोई पहलवान लड़े 100% साफ कुश्ती होनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी अभी नबी हो तो वो फिर कुश्ती दोबारा कराने का मुनसफिन हक रखेगा कि दोबारा पहलवान को कुश्ती लड़ाए, लेकिन कुश्ती साफ ही का मजा है। हाँ जी, हम इंडिया में भी जाके कुश्ती लड़ते रहे हैं, बिल्कुल साफ कुश्ती है इंडिया में भी, जब हम जाते थे ना अपने वक्त में तो साफ कुश्ती लेते थे, ठीक है कि नहीं, चारों शाने बल्कि चित होते थे तो फिर वो कुश्ती देते थे, बल्कि ऐसा भी होता था कि 2-3 सेकंड वो ऊपर वाला पहलवान पकड़ के रहता था तब वो बता देते थे। इधर तो लाहौर में पाकिस्तान में हमारे में दोनों कंधे लगते हैं ना तो कुश्ती देख देते हैं, ठीक है, उधर हमने ये भी देखा है 1-2 सेकंड 3 सेकंड इंतज़ार भी करते हैं, लेकिन जब दोनों कंधे लग जाते हैं ना समझे कि कुश्ती ख़त्म हो गई है। ये हमारी देसी कुश्ती रिवायत की मुनसिफिन को हमारी दरख्वास्त है कि वो हमारे उस्ताद हैं, बड़े ध्यान से और बड़े मोहब्बत प्यार से मुनसिफ किया करें गौर से, ताकि किसी पहलवान की दिलजारी ना हो।